न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। आपको बता दें कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जूत पटवारी के पिपतिहाना चौराहे पर बन रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवलिंग पुल का अलोकन किया गया। इसके दौरान ही आपके बता दें उनके साथ ही महापौर मलिनी गौंड सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने पिपलियाना चौराहे पर बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ महापौर मालिनी गौड़ सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आईडीए कृपा पिपलियाना चौराहे के पास अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग अकेडमी का निर्माण किया जा रहा है। करोड़ों की लागत से बनने वाली यह अकेडमी अपने आप में एक अनूठी अकेडमी होगी जो मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है। देश विदेश से लोग यहां आकर स्विमिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जीतू पटवारी ने महापौर मालिनी गौड के साथ मिलकर स्विमिंग पूल का नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। साथ ही काम की प्रगति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। मिशन तो इम्पॉसिबल है भाभी, आप चले जाएंगे भाभी, चले जाएंगे। इस मिशन को इम्पॉसिबल ऐसा है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी का विचार सकारात्मक विचार। ये पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने बार बार ट्वीट करके अभी बोस बोल देंगे तो मैं 18 घंटे 24 दिन में ऐसे सरकार गिरा दूंगा, ये मेरे रहमो करम पे सरकार है, हमारे रहमो करम पे सरकार है। एक भाई साहब कहते हैं कि ये लंगड़ी सरकार है, एक भाई साहब कहते हैं कि एक नंबर दो नंबर कह दे तो हम इसी वक्त सरकार गिरा देंगे, फिर एक भाई साहब और अलग अलग सारे भाई साहब इकट्ठे हो रहे हैं और इन भाई साहबों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम बोले क्या और करें क्या। तो मेरा उन सबसे, उम्र में छोटा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि लोकतंत्र के उस वोट की इज्जत करो जो जनता ने दिया। कांग्रेस को सरकार बनाने का दिया, आपको विपक्ष की भूमिका निभाने का दिया। आप विपक्ष में रहकर मध्य प्रदेश समृद्ध बने इसमें सहयोग करो। आखिर क्या कारण है कि ऐसे बयान देने पड़ते हैं आपको? सवाल है, आपके बयानों ने दो विधायकों को व्यथित करके कांग्रेस के साथ किया, अगर ऐसे ही चलता रहा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को